प्रिय दर्शकों, धनतेरस की एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं और ये बहुत ही शिक्षाप्रद है। बिना मोल दिए किसी से कोई वस्तु ली जाती है तो उसका परिणाम ठीक नहीं होता। जैसे कथा आती है, एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए आए। माँ लक्ष्मी साथ में थी। खेतों में घूमने गए तो भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, थोड़ी देर तुम यहाँ पे रुको, मैं भी कहीं जाकर के आता हूँ। और भगवान विष्णु जैसे आगे जाने लगे तो माँ लक्ष्मी ने सोचा कि मैं भी देखूं आखिर ये जा कहाँ रहे हैं मुझे अकेले छोड़ करके। पीछे पीछे चल पड़ी लक्ष्मी जी। थोड़ा सा आगे जाते भगवान अंतर्ध्यान हो गए और माँ लक्ष्मी ने गन्ने का खेत देखा। मोटे मोटे अच्छे अच्छे गन्ने लगे हुए थे और सोचने लगे, यहीं खड़ी होके मैं अपना श्रृंगार कर लेती हूँ, आते रहेंगे भगवान। और जैसे ही वहां पे खड़ी हुई तो मन में इच्छा हुई कि चलो गन्ना चूस लूं। तो माँ लक्ष्मी ने क्या किया, एक गन्ना उखाड़ करके और वो गन्ना चूसने लगी। उसी समय भगवान विष्णु आ गए और भगवान ने पूछा कि देवी, जिस किसान के खेत का गन्ना उखाड़ के चूस रही हो, क्या उसको तुमने इसका मोल दिया? माँ लक्ष्मी ने कहा कि नहीं। तो भगवान ने कहा कि 12 साल तक उस किसान की सेवा करो। और इतना कहके भगवान वहां से चले गए और माँ लक्ष्मी उस किसान के यहाँ रहने लगी। किसान धीरे धीरे बहुत धनवान हो गया। धन धान्य के उसके यहाँ भंडार भर गए। और 12 साल बाद जब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो उस किसान ने भगवान को रोक लिया और कहा, मैं तो इनको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये जब से मेरे यहाँ आई हैं तब से मैं बहुत फल फूल रहा हूँ, मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। तो भगवान ने कहा कि ये चंचला है, इनको बड़े बड़े राजा महाराजा कोई नहीं रोक पाया, ये किसी के यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुका करती हैं, आज यहाँ कल वहां, इसीलिए इनको कोई नहीं रोक सकता। किसान ने कहा, नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगा। तो भगवान ने कहा, ठीक है फिर एक काम करो, ये 4 कोड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये 4 कोड़ी लेकर के गंगा जी स्नान करके आओ, और गंगा जी में जब स्नान कर लो तो ये 4 कोड़ी गंगा जी में डाल के आ जाना। बोला ठीक है। किसान गया गंगा जी नहाने के लिए, गंगा जी में स्नान किया और 4 कोड़ियां जब गंगा जी में डाली तो 4 भुजाएं निकल करके आई जल में से। तो किसान ने पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी हैं? तो गंगा मैया ने कहा कि ये मेरी भुजाएं हैं। और किसान, ये कोड़ी तुझे किसने दी? किसान ने कहा कि मेरे यहाँ एक पुरुष आए हैं और एक स्त्री है, ये कोड़ी उन्होंने दी है। गंगा मैया बोली कि वो कोई साधारण पुरुष और स्त्री नहीं है, वो स्वयं नारायण और लक्ष्मी है। यदि लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ से चली गई तो तुम दरिद्र हो जाओगे, उन्हें जाने मत देना। किसान दौड़ा दौड़ा आया और आते ही घर में घुस के कुंडी लगा ली और कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे किसान, तुम आज धनतेरस के दिन मेरी पूजा करना, कुबेर की पूजा करना, वरुण की पूजा करना और नारायण की पूजा करना। यदि तुम ऐसे हर साल पूजा किया करोगे तो तुम्हारे यहाँ से मैं नहीं जाऊंगी, अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे यहाँ विराजमान रहूंगी। तो जिस प्रकार उस किसान के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हुई, ऐसी आप सब लोगों के ऊपर भी माँ लक्ष्मी की कृपा हो। आप सबके यहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु सदा सदा निवास करें। बोलो लक्ष्मी माता की जय।